गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आप लोग देख रहे हैं कितना बढ़िया सनराइज हो रहा है, तो मैंने सोचा इसका टाइम लैप्स आपको दिखाया जाए। तो अब भी यहाँ पर हम लोग मॉर्निंग वॉक के लिए निकले हुए हैं और एक आर्ट गैलरी हमने देखा यहाँ पर बोर्ड, तो पंचकनी में है, तो काफ़ी एंटीक चीज़ें दिख रही थी वहाँ पर, तो हम लोग उसको विज़िट करने आ गए हैं। तो चलिए इन्जॉय करते हैं इस आर्ट गैलरी को और आपको दिखाते हैं यहाँ पर क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं। सेफ देखो ये कितनी मस्त है यार, ये जो पानी की टंकी है ये देखो भाई, ये क्या चीज है, हैं? ऐसी तो भाई अलमीरा हमने पहले ही बार देखी है भाई। स्टोन की है, स्टोन की है, स्टोन की है। मैंने कुछ छुआ ही नहीं। ये मिस निकाल हाँ सेल आइडिया। अंशु सेलेक्ट कर रही क्या क्या लेना है। शिवलिंग देखो कितना अच्छा है, अंशु शिवलिंग कितना अच्छा लग रहा है ये वाला। ये पूरा सेट है। कितने का है ये, क्या प्राइस है? 15,000। ब्रास का है पूरा, सॉलिड ब्रास। अच्छा है, जगह जाने का जगह है, देख क्या थे।
अरविंद भाई आपको बहुत अच्छी जगह ले आए आज हम। भाई ये चीज़ आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगी। देखो क्या क्या बढ़िया फ्रॉग वो रखे हैं, खरगोश बने हुए। बच्चों को लाना चाहिए था, इनको मज़ा आता देख के। हाँ यहाँ तो पास में ही है, कभी वॉक करते हुए आ जाएंगे। सही जा रहा है रास्ता, इधर है कि इधर है? ये किधर जा रहा है रास्ता, किधर जा रहा है? इधर है रास्ता, तो दोनों साइड जा रहा है। तो नीचे स्विमिंग पूल भी है प्राइवेट यार। अरे वाह भाई, ये क्या ऑसम ऑसम जगह है एकदम, बिल्कुल यार। तो सामने कोई पार्क है लगता है, राइड्स वगैरह दिख रही। अभी तो बंद ही है वो सब। ये देखो शिवलिंग, सब लिया सब। बिल्कुल भेज देंगे, टेंशन ना लो। पूरा वीडियो बना के भेजेंगे आपको, बढ़िया सा। हमारे कुछ मतलब मंदिर हो गए, प्रैक्टिस हो गया है। वीडियो निकालना ये पूरा वैक्स का बना है। हाँ अंदर मिट्टी है, मतलब वो जो शेप है ना उसके लिए मिट्टी का बना है। अच्छा बाद में मिट्टी निकल जाएगी, बाद में आफ्टर कास्टिंग मिट्टी निकल जाएगी। इतना पार्ट आपको वैक्स को लग रहा है, ब्रास में कन्वर्ट होगा। इसके ऊपर ब्रास लगाते होंगे, वैक्स के ऊपर ब्रास। अभी तो मोल्ड बनेगा उसका, बाद में भट्टी में जाएगा, जब कास्ट हो जाएगा तो। कहाँ पर भट्टी? से कास्टिंग करने के लिए सारा ब्रास का, लोहे का। फर्नेस है ये, देसी फर्नेस। देसी फर्नेस स्टाइल है पूरा। पृथ्वी की धुरी पे घूम रहा है। बैलेंस किया है खाली उसको, बस उसके पैर पे। एक पैर पे तो पता ही नहीं। अरे रुक भी, ऐसे फ्रंट साइड जाएगा अपने। देखते हैं। मस्त हम लोग जा रहे हैं तपोला लेक। तो ये पंचगनी से जहाँ पर हमने स्टे किया है वहाँ से 43 किलोमीटर दिखा रहा है, और
1 hour 20 minutes का ड्राइव है यहाँ से, और इसको मिनी कश्मीर भी बोलते हैं। इसको मिनी कश्मीर भी बोलते हैं, तो अभी तक बहुत सुना है, तो आज देखा भी जाएगा कि कैसा है। लेकिन तपोला मस्त लग रहा है ना व्यू, बहुत ही मस्त है, कितना शानदार व्यू है। तो कितनी बड़ी लेक है नी, तो हम सब लोगों ने बोटिंग स्टार्ट कर दी है तपोला लेक में, और आप देख सकते हो कितनी शानदार व्यू है, और हवा भी कितनी मस्त चल रही है। गौरांग आर यू ओके, वेरी गुड। ये देखो स्नैक्स भी चालू है भाई, लोग का स्नैक्स भी चालू है। यहाँ से एक आइलैंड पे लेके जाएंगे, वहाँ पे 15 मिनट हम लोग रिलैक्स करो। हाँ अरविंद और शिल्पा आप दोनों हमारे ब्लॉग में आ रहे हो, से हेलो टू माय व्यूअर्स। वेरी ब्यूटीफुल लेक, वर्थ कमिंग। ये देखो सब जगह पिच होती है पानी में। पिशों के लिए दाना डालना शुरू कर दिया है लेक में। शानदार व्यू है।
आएगा ना कल को आने दो जब फिर खींचता हूँ। हम लोग आइलैंड पे आ चुके हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पे ये तपोला में लेक के बीचों बीच आइलैंड है। बोट वाला हमको यहाँ पे उतार के चला गया है, पता नहीं कब आएगा। बोला आराम से चाय पियो माते हैं, ऐसा बोल के चला गया है। ये सब लोग मस्ती कर रहे हैं, मिस्टर अरविंद तो शॉपिंग भी कर रहे हैं कुछ। देखो क्या मस्ती हो रही है, पानी में पत्थर फेंके जा रहे हैं। यस गोरन देखो डालो। यस यस हां गया गया भैया, स्पिन कर रहे हैं जैसा बॉल को स्पिन करते हैं ना वैसे स्पिन कर। अरे वाह अरे वाह वाओ क्या बात, गुड गुड। तो महाबलेश्वर में आज का डे 3 यहीं एंड होता है, तपोला लेक विजिट करके, क्योंकि यहाँ जाने में काफ़ी टाइम लग गया। 1.5 आवर ड्राइव लगा मुझे महाबलेश्वर से वहाँ तक जाने में। तो अब ऑलमोस्ट रात हो चुकी है और हम लोग वापस निकल रहे हैं। रास्ते में भी बहुत सीनिक व्यूज़ थे, हम लोगों ने काफ़ी फ़ोटोग्राफी की और आई होप आप लोग को भी ये जगह बहुत पसंद आएगी। इसे मिनी कश्मीर के नाम से जाना जाता है। तो अगर आप महाबलेश्वर आते हैं तो इस जगह को ज़रूर विज़िट करें। तो इसी के साथ मैं अपना ये डे 3 का ब्लॉग यहीं एंड करता हूँ और मिलता हूँ अपने नए ब्लॉग में नेक्स्ट डे 4 में। आपको नई जगह दिखाऊंगा महाबलेश्वर में। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आएगा। तो पसंद आएगा तो फिर लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना तो बनता ही है, और इसके साथ बेल बटन दबाना भी बनता है। तो मिलते हैं अपने नए वीडियो के साथ टुमारो। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल एंड।